ओ बेवड़े, बोल बे। तुझे लगता है कि तेरी ड्रिंक मिलेगी इतनी रात को? नो वरीज, तू नहीं सुधरेगा ना। नेवर एवर, नेवर एवर, नेवर। इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, उसकी लालटेन बुझा के आता हूं। बाय। राती के दिए, एक गोंचू पैसे तो ले जाता। ए बेबी, और कितना दूर लेके जाओगी? यहीं शुरू करते हैं ना। कहाँ फंस गए यार? तो रिया, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? कल सोच रही हूँ शॉपिंग पे जाऊं। रियली? हाँ, पर पर्पल लहंगा। पर्पल? इट्स डिफरेंट, दैट्स व्हाई। अच्छा, आई नो दिस अमेजिंग डिजाइनर, इफ यू लाइक यू कैन ट्राई हिम आउट। श्योर, कल फिर वहीं चलते हैं। ऑलराइट। Let me call Robbie. Sad network.
और चंदू, आज तो तेरी लॉटरी लगने वाली है साले, तुझसे तो मैं पार्टी लेके रहूंगा। अबे तुझे हर बात की पार्टी चाहिए, भूख कर साला। अभी एक तो मैं तेरे साथ दो दो आइटम सेट करूं और तू मुझे पार्टी भी नहीं देगा। जा रे गोल्डी, तू ना दो तीन लड़कियां पटाना तेरे बस की बात नहीं है, तू रहने दे। अच्छा देख, तेरा भाई गोवा में क्या क्या झंडे गाड़ के आया। देख यार गोल्डी, दो चार एक साथ कैसे पट जाती है भाई। अभी देख, आइटम लोग को पटाना ना बहुत ही सिंपल है। देख सीधा जानेगा और बोलेगा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। बैठ जाती है, इंटरेस्टेड होगी तो बैठ जाएगी। तो बकलंडी महाराज हम चले। अभी जल्दी है इसकी। अच्छा तेरी गर्लफ्रेंड को पता चला ना तो कच्चा खा जाएगी तुझे। चलो तू बता, हनीमून पे कहाँ जा रही है? सीक्रेट है, बताना यार। नहीं बताऊंगी, फेसबुक पे पिक्चर्स देख लेना। एनीवेज मैं सोच रही थी तुम्हारी टिकट्स करवा दूं। सच्ची? झुमरी तलैया के लिए। मस्ती ना कर यार। चंदू अगर ला दे। अबे बॉडी बनेगी साले, चल ला। अबे बॉडी बनेगी ना तो लड़की पटेगी, बड़ा सोच रहे। अबे गोल्डी साले, तू गर्लफ्रेंड होने के बाद भी हर गली में मुंह मारता है, शर्म नहीं आती क्या? मैं बहुत लॉयल हूँ उसको लेके, जब वो मेरे साथ होती है तब थोड़ी ना मैं कुछ करता हूँ। क्यों? अबे सुधर जा वरना एड्स से मरेगा साले। अबे जा, तेरी ना शादी होने वाली है, नहीं तो जब मौका मिले ना तू भी चौका मारे। ए बन मत। चला, मैं रिया के साथ तेरी तरह फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, और वैसे भी I'm a one woman man। हाँ, one woman तू ही रखा और लड़कियां मुझे दे दे। साले चू। तुझे ईशा के बारे में तो पता ही होगा ना? हाँ, मैं उसको बहुत साल पहले मिली थी, तब तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने वाली थी ना। That is old news. The latest news is अब वो एक बुद्धू से नराई से शादी करने वाली है। क्या बात कर रही है? लेकिन वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने वाली थी ना, अब क्या होगा उस बेचारी का? बेचारी और वो एक नंबर की लियोनी है वो। मतलब? मतलब ये कि शादी तो उसकी उस एनआरआई से होने वाली है। हाँ, और लफड़ा बॉयफ्रेंड के साथ। व्हाट? यस, शादी फुद्दू के साथ और अफेयर स्टार्ट के साथ। बड़ा सुपर कूल बीएच। सॉलिड बजाने वाली है। ये देख आगे तेरे तंबूरा। अभी अभी क्या खुसर मुसर चल रही है गाइस? पका मत यार, पहले ये बता इतनी देर से कहाँ घूम रहा था। अरे हम इतनी दूर से पानी भर के आए हैं, तुम्हें पता भी है यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। चेक कर। अब देखता हूँ। ये तो नहीं हो रहा यार। प्रॉब्लम क्या है यार? पता नहीं यार। शॉर्टकट शॉर्टकट बोल के तूने कहाँ फंसा दिया यार हमें, और अब बोल रहा मुझे क्या पता। तूने पता हमारी पार्टी की पूरी बैंड बजा दी है। बेकार में ही फंस गए हम लोग तो यहाँ पर। यार हमें ना मैकेनिक बुलाना पड़ेगा, इसके बस की बात ही नहीं है। यार गुल्डी, हम इस जंगल में मैकेनिक कहाँ से ढूंढेंगे यार? Where the hell are we? रॉबी यार उस बंगले में जाके देखे, अगर बंगला है तो गाड़ी भी जरूर होगी, और जहाँ गाड़ी है वह मैकेनिक को आसूस मिल ही जाएगा। क्यों? शॉर्टकट तू एक काम कर, तू गाड़ी के पास रुक और देख अगर यहाँ कोई आता है तो हम लोग वहाँ जाके ट्राई करके आते हैं। चलो अब ना जा अकेले झाड़ पे, बंदर कहीं का। मेरी गाड़ी खराब हुई है इसलिए मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हो। यू गाइस आर सो मीन यार। क्या हुआ, गुस्सा हो? फिर क्या हुआ है तुम्हें? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? गाड़ी खराब हो गई है सब छोड़ के जा रहे हो? स्वीरे हम घर चेक करने जा रहे हैं ना। अरे इसमें गुस्सा क्यों हो रहे हो? इसमें मैं क्या करूं? कैप उठा लो अपनी, यू लुक क्यूट विद द कैप। कम ऑन। और हम आते हैं थोड़ी देर में।
तो खा ले शादी का लड्डू। मैं शादी का लड्डू नहीं खाता, मैं रसगुल्ला खाता हूँ, वो भी बियर के साथ। और हाँ, वर्कआउट के लिए ना मैं जिम नहीं जाता, मेरा तो बेड पे ही वर्कआउट हो जाता। क्या कमाल का फेंकू है यार तू। यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बाबा, यहाँ कोई आसपास कोई मैकेनिक हो? आसपास यहाँ कोई जिंदा नहीं है। सब लोग मर गए, मर गए। जाओ तुम। हाँ बाबा, ये बुड्ढा पागल लगता है। वहाँ बंगले में चलते हैं, वहाँ कोई ना कोई जरूर होगा। चलो बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ तुम्हारे भले के लिए। तुम भूल कर भी उस बंगले मत जाना। उस बंगले में एक बहुत सुंदर चिड़िया रहती है। वो ना मर्दों को अपने बस में कर लेती है, उसके बाद उसका गाय बकरे बना देती है। जाओ 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 जाओ, चलो जाओ यहाँ से। हाँ बाबा, चले चले जाओ बच्चों, जाओ। बुड्ढे का फ्यूज उड़ गया लगता है, बेचारा। ए बुड्ढे, घर जा। चलो 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 चलो। गोल्डी, प्लीज बिहेव। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। मुझे लगता है यहाँ पर काम बन जाएगा यार। यार कोई दिख तो नहीं रहा है, अंदर चले क्या? इतना बड़ा घर है, हर कोई ना कोई जरूर होगा यहाँ। अरे क्रिसमस बेल बजाना। चेक अगेन। पता नहीं यहाँ कोई रहता भी है या नहीं, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। कम ऑन यार रिया, एक बार ट्राई तो कर ले। हेलो, कोई है? अरे क्या कर रहा है यार ये? मैं आंटी। गोल्डी। आंटी जी। इस मैडम। अबे अंदर कोई होगा ना तो पीट देगा, वापस आ। आंटी बॉल। संभाल यार देवी का। यू स्टैंड देयर। क्यों इतना उछलती हो यार तू? क्या करे? चलो चलो, लेट्स गो। जी कहिए। हाय। हमारा नाम शशि है जी। हाय, मेरा नाम गोल्डी है। And I'm Devika. He's my boyfriend. I'm Robbie. और ये रिया है। मैं रॉबी की फियांसे हूँ। और अगले महीने हमारी शादी है। आप ठीक तो है? कुछ परेशान सी लग रही है। मैं ठीक ही हूँ। अरे एक्चुअली हुआ यूं कि जब हम आपकी तरफ आ रहे थे ना, तो रास्ते में हमें
पागल सा बुड्ढा मिला, अजीब अजीब सी फनी बातें कर रहा था आपके बारे में। मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, यहां आने से पहले ना रिया बहुत ज्यादा डर रही थी, उसे ऐसा लगा कि आप उसे बकरी बना देंगे। ओ सच में? इसीलिए ना ये थोड़ी सी डर गई है। समझ गए, घबराइए मत, वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, वो सिर्फ एक अफवाह है। ऐसी अफवाहें फैली कैसे? एक अकेली औरत के अकेलेपन का फायदा उठाने के लिए ये दुनिया कुछ भी कहती है। आप लोग आते ही इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? गोल्डी, बिहेव योरसेल्फ। अभी वो शशि आ गई ना तो तुम्हें उठा के घर से बाहर फेंक देगी। आखिर हम उसके गेस्ट है, गेस्ट? वो बुरा नहीं मानेगी। बढ़िया है, बिन बुलाए मेहमान। पता नहीं, हम शादीशुदा हैं तो ये गलत है। जब तक गलत पकड़ा नहीं जाता तब तक गलत को गलत नहीं कहते। की गाड़ी समझ रखी है, बाहर निकल। तो थोड़ी सी चलाने देना है, थोड़ी सी आपको, बाहर निकल। सारा
पता नहीं कौन से गोले से टपक गया। चल जा। ये क्या डिस्को लगा रखा है? तुम्हारा नाम क्या है? नाम जान के क्या करेगा? हाँ? तेरी उम्र कितनी है? नहीं बताऊंगा। तेरी शादी हुई? कराएगा? जा। मैं 20 साल का था कल तक, अब मैं 60 साल का हूँ। अच्छा। मैं भी कल चांद पे अच्छा? था। पेट्रोल नहीं मिला तो यहाँ आया। क्या बात है? जा। पी के आया क्या चांद से? मर पुत्र। बैठ 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 बैठ, तने एक बात बताता हूँ। रईस जंगल में गणिये सुंदर चुड़ैल रहे से, अगर तुम उसके चक्कर में फंस गए तो ना वो तुम्हारी जवानी को एक झटके में चूस कर बुढ़ा बना देती है मेरे तरह। तुम्हें पता है वो कैसे चूसेगी? एजी, सुनते हो? अरे आप ही को बुला रही हूं। अरे उधर नहीं, इधर हूं। इधर उधर क्या देख रहे हो? रंगरलियां मनाते थे, अब इन्हें घर पर भी लेकर आने लगे हैं। कौन है वो लड़की? रॉबी? क्या हो रहा है रॉबी? चलो
इसे क्या हुआ? हाँ? Are you all right? चलो, let's go. Okay. एक मिनट, गुल्ली कहाँ है? मुझे क्या पता? पता नहीं, अभी यहीं कहीं तो था. यहीं कहीं होता तो मुझे भी तो दिखता ना. क्या पता कार के पास गया हो? मुझे भी ना बताए वो कार के पास क्यों जाएगा. चंदू? चंदू? हाँ? अरे मैकेनिक आ गया क्या? नहीं तो. अबे यार, मैंने फोन किया था आता ही होगा, पर तू यहाँ क्यों आया? अरे मैं अकेले बोर हो रहा था वहां पर, और हाँ रास्ते में एक पागल बुढ़ा मिला था, भूत वूत के बारे में बोल के इतना डरा रहा था, मैं तो भाग के आ गया वहां से. और तुम लोग यार कर क्या रहे हो इतनी देर से? कुछ नहीं यार, तुझे पता है मैंने मैकेनिक को फोन करके कार के पास बुलाया और तू गाड़ी छोड़कर यहाँ पर आ गया. चलो तो पर कार के पास ही चलते हैं. गोल्डी कहाँ है? What do you mean by गोल्डी कहाँ है? तेरे साथ कार में नहीं था क्या? गोल्डी मेरे साथ क्यों होगा, तुम लोगों के साथ आया था ना. शिट, ये तो अपना गोल्डी है. गोल्डी, गोल्डी कहाँ है? गोल्डी, हमें क्या पता, आप लोगों के साथ ही तो था. हमें क्या पता, बहुत मासूम बन रही हो, तुम्हें सब पता है. तुम्हारे घर में तुम्हें नहीं तो और किसको पता होगा? बताओ मुझे गोल्डी कहाँ है. गोल्डी है. गोल्डी, 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 मिला कोई? हो गई तसल्ली? हमने तो पहले ही कहा था अंदर कोई नहीं है. वो क्या हुआ? क्या हुआ चंदू? गोल्डी मिला क्या? रॉबी गोल्डी को मार रहा है, लगता है वो पागल हो चुका है. व्हाट, ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? अरे सच बोल रहा हूँ मैं, वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा यार, अब तक तो मार भी दिया होगा. तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या हुआ? वो रॉबी, रॉबी,
रॉबी देखना ये क्या बोल रहा है। तूने गोल्डी को मार दिया है तूने? भाई तेरी तबीयत तो ठीक है? मैंने खुद देखा है तुम्हें गोल्डी को मारते हुए। रॉबी ये क्या कह रहा है? चंदू भाई मुझे लगता है वो बुड्ढे ने तुझे बहुत डरा दिया है। नाटक मत करना रॉबी। Can you believe this? तुम लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है, मेरे साथ चलो मैं खुद दिखाता हूँ। ये रहा गोल्डी। कहाँ है? किधर? देखा था मैंने। तुम सच में पागल हो गए हो? किधर गया? हाँ कहाँ है? यही देखा गाइस मैंने। कहाँ है चंदू? यही कहीं था। कहाँ है? बता। अबे या तो उस बुड्ढे ने तेरा दिमाग खराब कर दिया या फिर तू कोई नशा वशा करके आया, और तुम लोग इस बेवकूफ की बातें मारकर मुझ पे शक कर रहे हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पूरा खून था और रॉबी उसे ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 मार रहा था। मैंने देखा था यहाँ पे उसको। ये क्या तमाशा लगा रखा है हमारे घर में आप लोगों ने? हाँ रॉबी ने किया है। अपना मुंह बंद कर चंदू। किसने किया तुम्हारे साथ? तुम इसे उठाओ और हॉल में लेके चलो। कम ऑन गेट हियर। तुम्हारे साथ ये किसने किया? किसने किया गोल्डी तुम्हारे साथ ये? मुझे बताओ, कुछ तो बताओ। गोल्डी प्रो उस कमरे में गया क्यों? क्या आपको पूरा यकीन है कि आपके घर में और कोई नहीं रहता? हम कितनी बार कह चुके हैं कि हमारे सिवाय इस घर में और कोई नहीं रहता। अच्छा कोई नहीं है? कोई नहीं है तो फिर इसकी ये हालत किसने की? गाइस गोल्डी की हालत खराब होती जा रही है, हमें से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। क्यों ना हम डॉक्टर को यहीं बुला लें? जी हाँ, आसपास से कोई नहीं आएगा। मतलब आप लोगों ने सुना नहीं गांव वाले क्या बोल रहे थे? लेकिन आपने तो कहा था कि ये एक अफवाह है। जो आप लोगों ने सुना वो कभी कभी सच हो जाता है। इस घर में काफी कुछ बुरा हुआ है। ये जो भी हो रहा है वो हम नहीं ये घर कर रहा है। हमें माफ कर दीजिए, हम आप लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं। एक मिनट, यू मीन टू से कि यहाँ पर जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो तुम नहीं ये घर कर रहा, और इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम? तुम हमें ये समझाना चाहती हो? हा? समझाना नहीं, आप लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, वो भी जल्द से जल्द, इससे पहले कि कुछ और बुरा हो आप लोगों के साथ। यहाँ पे तुम्हारे घर पे इतना कुछ होता है हमारे साथ और तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता? वाओ, ये देखने के बकवास कर रही है और देखो ना अभी ये क्या। चुप। जी कहिए, कौन चाहिए आपको? जी मैं मैकेनिक हूँ। वो गाड़ी के पास कोई था नहीं तो आपको ढूंढते हुए यहाँ तक चलाया। चंदू हाँ चाबी। हाँ बॉस, ये गाड़ी जरा जल्दी ठीक कर दीजिएगा प्लीज,
अर्जेंट है। इन्हें क्या हुआ? इनका एक्सीडेंट हो गया है। आप प्लीज जल्दी से गाड़ी ठीक कर दीजिए। इनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। कोशिश करूंगा। सब अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं मैं आपको। यहां पर आते वक्त मैंने एक बहुत ही मजेदार सी कहानी सुनी। एक बुड्ढा बता रहा था कि इस घर में एक बहुत ही खूबसूरत औरत के भेष में चुड़ैल रहती है। वो कह रहा था कि जो भी आदमी इस घर में आता है उसे अपना पति मान लेती, उसका ख्याल रखती है, उसे संभालती है, उसकी पत्नी बनकर उसे औरत का सुख देती है, खूब सुख। हाँ, लेकिन जब इन सब बातों से दिल भर जाएगा और वो बाहर जाने की कोशिश करेगा तो वो उसको बाहर नहीं जाने देगी किसी भी सूरत हाल में। क्या खूब कहानी है। ये मेरा घर है, मैं यहां रहती हूं। क्या मैं आपको चुड़ैल जैसी दिखती हूं? और सुनो, मेरे घर में आके ऐसी उल्टी सीधी बातें मत कीजिए। बॉस, आप कार ठीक कीजिए ना प्लीज। काश ऐसा होता। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो आप फिर भी आएंगे? हाँ, मैं जाता हूं, ये गाड़ी रिपेयर करके रेडी रखूंगा। हाँ, मर गया क्या? यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है? पहले गोल्डी, फिर ये मैकेनिक। जरूर इस घर में कुछ गड़बड़ है। उस बुड्ढे ने हमें पहले ही मना किया था, लेकिन हम फिर भी आ गए यहाँ पर। अब ये मत कहना कि अगर हम बाहर गए तो हम सब मर जाएंगे। देखिए जो हुआ वो कोई इत्तेफाक तो था नहीं। इस घर का एक बहुत ही भयानक इतिहास है। आप लोग गलती से भी इस घर से जाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना जो होगा उसके लिए हमें जिम्मेदार मत ठहराइएगा।
कितनी बेवकूफी होगी यहाँ पे ये सोच के बंधे रहना कि अगर हम इस घर से बाहर जाते हैं तो मर जाएंगे। वो मैकेनिक की बहुत ही स्टूपिड स्टोरी थी, दैट्स ऑल रॉन्ग। हमको उस बुड्ढे ने पहले ही वॉर्न किया था लेकिन हम फिर भी यहाँ आ गए। मुझे तो उस औरत पे ही शक है, शायद ऐसा सब उसी ने करवाया है। वो बात कैसे करती है? I really doubt her intentions. वैसे मैंने एक बात नोटिस की है, तुझे ऐसे देख रही थी जैसे तू बहुत खास हो। है? सच में? मुझे नहीं पता था। God. मैंने तो तुम्हें बोला था तुम बहुत क्यूट हो। Guys, cut the crap. क्या हम लोग सॉल्यूशन के बारे में सोच सकते हैं? प्लीज। अगर हम किसी को कॉल करके हेल्प लें तो? रिया, किसी का फोन कार में है, किसी का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। What? क्या ये सच में चुड़ैल है? बकवास बंद करेगा तू अपनी। लेकिन बाहर जाकर मरने से अच्छा शशि को ही पूछ ले तो? मुझे उस पे भरोसा नहीं है, उसका तो झूठ भी सच जैसा ही लगता है। आई थिंक रिया हैज अ पॉइंट। वैसे भी हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। एट लीस्ट वी शुड ट्राई। लेट मी गो। वेट, तुम क्यों जा रहे हो? जब वो आ जाएगी तब पूछ लेना ना। रिया, यहां बैठकर कोई मतलब नहीं है। डू यू थिंक वी हैव एन ऑप्शन? गोल्डी, तुम्हारे हाथ का दर्द ठीक तो है ना? तुम ठीक तो हो ना? ऐसा है। क्या हुआ? ठीक हो ना? रॉबी किथे है? वो तो शशि को ढूंढने गया है। अब क्या वो? गया? मतलब? क्या बोल रहे हो तुम? पता नहीं। तो आइए आपको सुनाते हैं दिन भर के मुख्य समाचार। कल रात एक पत्नी ने अपने पति को दूसरी मंजिल से धक्का दे दिया। पत्नी ने पुलिस को इसकी वजह ये बताई कि पति उसको आइसक्रीम नहीं खिलाने लेके जाता। पुलिस इस घटना की छानबीन आइसक्रीम वाले से करने वाली है। इसमें इतना ग्रेट क्या है? सभी न्यूज तो प्रेडिक्टेबल होती है ना? कुछ और देखते हैं। किलकिलियो तो रो रे पाठे की लो मड़ियो रे फूलो रंगाए मुक्ति नहीं नहीं किलकिलियो तो रो रे। क्या बकवास लगा रखी है? पागल हो गए हो क्या?
क्या क्या शशि कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रही। मैंने अभी उसे यहाँ से जाते हुए देखा। अनिशा वो उस तरफ गई है। देख शशि अगर इधर है तो रॉबी किससे मिलने गया ऊपर? हाँ शशि जी 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 रॉबी चलो मैंने शशि को देखा। कहाँ? मैंने हॉल में देखा उसे। चलो थैंक गॉड। अगर यहां होती तो दिखती ना। वो औरत बहुत अजीब है, कब क्या करती है कुछ समझ में नहीं आता। आई थिंक वी गाइज आर जस्ट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स जस्ट पुश ऑफ। अरे देखा जाएगा ना यार जो भी होगा। लेकिन जाएंगे कैसे? गाड़ी भी खराब है और इतनी रात है। यार पैदल जाएंगे, रेन कर जाएंगे, सर के बल जाएंगे। लेकिन अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रहने वाली। लेट्स गो फ्रॉम हियर। There's something wrong. Let's go. Devika's right. मुझे भी यहाँ नहीं रुकना। चलो चंदू। लेकिन रिया। What? लेकिन 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 ना? तेरे को शशि इतनी पसंद है ना? तो तू रुक यहाँ पर। हम जा रहे हैं। Let's go. I'm scared of शशि यार। चंदू, please don't be so fucked up. चल ना यार। देखा जाएगा जो होगा। गोल्डी हम सब लोग यहाँ से निकल रहे हैं। चलो गोल्डी तुम्हें सुनाई दे रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? हम सब लोग यहाँ से जा रहे हैं। लेट्स गो। चंदू ये सब लोग तेरी कभी बात सुनते क्यों नहीं है? मतलब गाड़ी भी खराब है, इतनी रात है यार। है ना? मेरी बात मानो, यही रुक जाओ, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। खुली प्रो, कल सुबह तक का टाइम नहीं है। लेट्स गो। नो No, no. Stop irritating गोल्डी, यहाँ पे पहले हम बहुत परेशान हैं। ये सब अब मत करो। Let's go, please.
तुम्हें जाना है तुम जाओ। गोल्डी तुम ठीक तो हो ना? तुम लोग कितने बड़े डरपोक हो यार। मैंने एक सेकंड में तुम लोगों को डरा दिया। तुम लोग इसका भरोसा कर रहे हो? ये तो मरने वाला है। रॉबी तू तो मरेगा ही, इन सबको भी मरवाएगा क्या? हाँ हाँ गोल्डे क्या बकवास कर रहे है बे? तुझे चलना है चल, वरना हम जा रहे हैं। तेरे का चल। और कितने दिन मेरे पटोले के साथ मजा लेगा? हाँ क्या देखो गोल्डी, ये तुम्हारी तबीयत खराब है। साले तू पागल हो गया क्या? कम ऑन देविका, मुझे सब पता है। तो क्यों उसके साथ जाना चाहती है? गोल्डे तुम दोनों का सीक्रेट अफेयर चल रहा है ना? अफेयर चल रहा है ना? हाँ हाँ अफेयर चल रहा है ना? पूछ अपने मंगेतर से कि इन दोनों के बीच में क्या डिंग डोंग चल रहा है, पूछना। रॉबी ये क्या बोल रहा है? रिया प्लीज, बेवकूफ है ये, इसकी बातों में मत आओ। मजाक कर रहा है यार, एज यूजुअल। उस दिन पार्टी के बाद तू इसको छत पे लेके गया था ना? व्हाट खोल्डी तू पागल हो गया क्या? मजा लिया ना? कितनी बार किया डिंग डोंग? कौन कर रहा हूँ तुझे? दो तीन गोल्डी, चार पाँच छह सात बार कर रहे तू? अले 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 गुस्सा आ रहा है क्यों? ले जा इसे घर में बैठ। गोल्डी घर में बैठ। रॉबी उसे रोकने के बजाय उसे बोलने दो, मैं जानना चाहती हूँ सच के। अरे बेब्स ये बकवास कर रहे हैं यार, मजाक कर रहे हैं। भाई गोल्डी घर जाके हल्दी का दूध पियेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत हो गया, छोड़ दे यार। अबे तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? मैं तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहा। चोरी चोरी फोटो खींचता है उसकी। पूछ पूछ पूछ। मेरा मोबाइल तो स्विच ऑफ है। रिया की मेरा मतलब दिखा ना, रिया की पिक्चर छुप छुप के देखता है ऐसे ऐसे करके। इसका मोबाइल चेक करो। झूठ बोल रहा है तू, पागल हो गया ये। तो के पास रॉबी ही इज हर्टिंग मी। खोटी छोड़ उसको, खोटी उसको दर्द हो रहा है। छोड़ पागल हो गया क्या? क्या कर रहा है वो? खोटी छोड़। Okay, boss. गोली वो तो है यार। ये क्या कर रहे हो तुम? गोली देख मैं भूल जाऊंगा तू मेरे दोस्त है। तुम्हें क्या लगता है गोली तुम्हें छोड़ देगा? गोली हाथ मत लगा ना। गोली पागल हो गया क्या तू? पागल हो गए साले। रस्सी लेकर आ। लाता हूँ। ये देविका को संभालो। चलो चुप मत, रस्सी ला। पकड़ के रखना वाले हो। बहुत मजा आ रहा है। तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? गोल्डी, bro, I'm extremely sorry. पर तुझे कुछ हो गया यार तो डर मत, हम तुझे बाहर लेके जाएंगे। मुझ पर भरोसा है ना तुझको, बाहर जाते सब ठीक हो जाएगा। Don't worry at all. Ha 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 ha
तुम लोगों को तमीज से मैं बोल रहा हूं, मुझे यहां से जाने दो। तुम में से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा तुम लोगों में से। सब यही मरोगे। मरने वाले हो, यही मरने वाले हो सब। खुद को मार लो, खुद को मार लो। पिछले 3 सालों से मैं गोल्डी को जानती हूं, लेकिन इतना एग्रेसिव मैंने उसे आज तक नहीं देखा। यू नो, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती थी, लेकिन हमेशा मैं ही उसे डांटती थी। उसने तो मुझे कभी पलट के भी जवाब नहीं दिया, लेकिन आज आई सॉ हिज बिहेवियर। ओह माय गॉड, रॉबी, आई एम वेरी स्केर्ड। मुझे बहुत डर लग रहा है रॉबी, आई एम वेरी स्केर्ड। रिया, इन दोनों में सच में अफेयर हो सकता है क्या? वो मैकेनिक की डेड बॉडी कहां गई? यार, ये स्टूपिड इंसिडेंट्स बहुत हो गए। आई थिंक मुझे बाहर जाना चाहिए। और फिर गोल्डी को भी तो हॉस्पिटल ले जाना है। तुम क्यों जा रहे हो? वो भी तो जा सकती है ना, अगर उसे इतनी फिक्र है अपने गोल्डी की तो। इसका मतलब हमें यहाँ अकेले ही रुकना पड़ेगा? शट अप चंदू, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट गोल्डी, हम सबकी जान भी खतरे में। मैं बाहर जाता हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो किसी की हेल्प भी लेकर आऊंगा। रॉबी, यहीं तक तो देखा था, अब कहाँ गायब हो गया? Let's do one thing. तुम लोग वहां देखो, मैं इधर चेक करती हूँ।
रॉबी, तुम तो बाहर गए थे, अंदर क्यों आए? बाहर तुम लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी, मुझे लगा तुम लोगों को मदद की जरूरत है, लेकिन यहां आया तो बेचारा। आई एम सॉरी देविका। तो फिर तुम्हारे हाथ में ये ब्लड कैसे? गोल्डी चिल्लाया और मैं भागा भागा अंदर आया, लेकिन जब तक मैं आया वो मर चुका था। मैं उसे चेक कर ही रहा था और मेरे हाथ में ब्लड लग गया। तुम झूठ बोल रहे हो। मतलब तुमने गोल्डी को मारा, ये खून कहां से आया? पागल हो गई हो क्या? मैं गोल्डी को क्यों मारूंगा? अगर तुमने नहीं मारा है तो फिर और किसने मारा है? मुझे क्या पता किसने मारा और क्यों मारा। गोल्डी ने तेरे मेरे अफेयर की बात की थी ना, इसीलिए तूने उसे गुस्से में मार दिया। कितना कबीरा है तू। मैंने पहले ही बोला था रॉबी गोल्डी को मार देगा, मेरी बात किसी ने नहीं मानी थी। तुम सबके सब पागल हो गए हो। डियर कैका, चीयर्स। तेरे को एक बात बताऊं तो खुश हो जाएगा। तेरा वेट कर रही है शशि। कहां? तेरे को पता है कहां? एंजॉय।
आ गए आप? इतने दिन कहाँ थे? कोई कितना भी दूर चला जाए, अपना घर और अपने घर वालों से कैसे दूर रह सकता है? पता है, एक अकेली औरत के लिए ये दुनिया जीना कितना मुश्किल कर देती है। एक अजनबी की तरह क्या देख रहे हैं? रॉबी तो मर्डर कर ही नहीं सकता, मुझे तो शशि पे शक जा रहा है। याद है जब हम आए थे तब वो गोल्डी के साथ कितना फ्लर्ट कर रही थी? यह अनबिलीवेबल रिया,
तुझे ये तो दिख गया कि वो गोल्डी के साथ फ्लर्ट कर रही थी, ये नहीं दिखा दैट शी वाज फ्लर्टिंग विद रॉबी टू? तुझे सब कुछ पता है, स्टिल यू आर डिफेंडिंग योर बॉयफ्रेंड रॉबी? हाँ, तू अच्छी रहे और तेरी रिलेशनशिप अच्छी रहे, बाकी दुनिया जाए तेल लेने, इजंट इट? देविका, ऐसा नहीं है। तो कितनी सेल्फिश है यार, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं तेरी दोस्त भी कैसे थी आज तक। आई एम हेटिंग माई सेल्फ टू बी योर फ्रेंड। लिसन, मैं भी जा रही हूँ यहाँ से देविका, एंड नो वन इज गोइंग टू स्टॉप मी। बाहर जा रही हो? मेरी मर्जी में कहीं भी जाओ, तुमसे मतलब? मैं तुझसे तमीज से बात कर रहा हूं और तू नाक चढ़ाकर जा रही है। You are a bloody murderer! अरे अब तो सच बोल दो कि तुमने ही गोल्डी को मारा है। मैं अब यहां एक मिनट भी नहीं रुकने वाली। तू जो कर सकता है कर ले। क्या हुआ रॉबी? रॉबी, अरे रॉबी तो अंदर हमारी वेट कर रहा है। चलो चलो चलना। तुम्हें थोड़ा तो समझना चाहिए ना, इस मुसीबत में तुम मुझे कैसे छोड़ के चले गए? तुम हमारे घर में आने वाले मेहमानों को हमारा घर तो अच्छा लगा होगा। हम आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं। आप लोगों को पता है कि दुनिया हमें कितनी गंदी नजरों से देखती है, सिर्फ इसलिए कि हमारे पति यहां पर नहीं है। हमें क्या बुलाते हैं आप लोगों को पता है? चुड़ैल।
पर अब डरने की कोई बात नहीं है, अब हमारे पति लौट आए हैं। आपके पति लौट आए हैं? इतना भी नहीं पता कि पति पत्नी के बीच में टांग नहीं अड़ाते? शशि जी, आपने बोला था हम आपके मेहमान हैं, तो मैं जा सकता हूं क्या? अब क्या फायदा, वैसे भी सुबह तक आप लोग जिंदा नहीं रहेंगे। अब घबराने की कोई बात नहीं। रॉबी, तुमने सुना उसने क्या कहा? खुद भूल कर गई है, वो एक चुड़ैल है। तुम कुछ समझ में आ रहा है वो क्या कर रही है तुम्हारे साथ? देखो रॉबी, तुम मेरी बात समझो, तुम मेरे साथ चलो, ठीक है? इस घर में जो कुछ भी हुआ सब कुछ उसने किया है। रॉबी प्लीज डोंट डू दिस बेबी, प्लीज। हेलो बड़ी, क्या हो रहा है? चंदू और रिया को खत्म कर, जल्दी कर, पार्टी करते हैं। क्या रॉबी, इतना क्या सोच रहे हैं? बोर हो गए उसके बिना। इतने कमजोर कैसे पड़ गए? कैसे मर्द हैं आप, एक औरत भी नहीं संभालती। देखो रिया, रॉबी नहीं आएगा। देखो जो कुछ भी हुआ हो चुका है, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तुम्हें भी अगर जिंदा रहना है तो तू डिसाइड कर ले कि मेरे साथ चल रही है या नहीं। चंदू, हम लोग अगर रॉबी को एक बार, सिर्फ एक बार अगर समझाने की कोशिश करें तो प्लीज प्लीज। क्या समझाना है रिया, हो क्या रहा है यहाँ पर? कौन राइट है कौन रॉन्ग है कुछ समझ में आ रहा है? चल मेरे साथ। तो लेकिन मैं रॉबी के बगैर कैसे जीऊंगी? रिया मैं तंग आ चुका हूँ यार इन सारी चीजों से। चल ना रिया, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्या सोच रही है तू? चल you
बहुत बड़ा प्लानर बन गया चंदू, मास्टर प्लान। तुम लोग मुझको छोड़कर यहाँ पे अकेले जा रहे हो? बैड है ना? एक काम करते हैं, सुनो, हम सब यही रुक जाते हैं। तुमको एक सीक्रेट बताऊं जो सिर्फ तुम दोनों नहीं जानते, त्रिविक और कुलदीप को मैंने ही मारा है। एक बार तुम लोग मेरे हाथ से मर जाओ, फिर देखो। अरे हम सब पहले की तरह इकट्ठे हो जाएंगे। अबेग शनिक रॉबी साले, एक बार मेरे हाथों से मर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस रिया, प्रॉमिस। खड़ा हो ना बिल्ले, भाग रहे है? भाग रहे है? देखता हूँ कब भागते साले। रॉबी, what's wrong with you? क्या हो गया डार्लिंग, तुम क्यों इतना डर रही हो? तुमने तो ये चेहरा पहले भी देखा है ना? तो फिर अब क्या हो गया बेबी, अब क्यों मुझसे इतना डर रही हो? रॉबी, रॉबी तुम्हें क्या हो गया? हम लोग बाहर चल के बात करते हैं। क्या कह रही हो यार? You don't even know how much I love you. रिया,
मेरी मदद कीजिए ना, गाड़ी भी ठीक करवानी है आपको। चंदू, आज तो तेरी निकल पड़ी बे। रिया, मैं तुम्हें बचाऊंगा। आसपास कोई दिख नहीं रहा, चलो चलते हैं। मुझे ले गो चंदू। ओ रिया भाग, रिया तो इस फट्टू से प्यार करती है। चंदू चंदू रिया मत जाना, आ रहा हूँ ना। चंदू को मार के रिया भाग। ठीक हो जाएगा बेबी, आई प्रॉमिस। मैं तुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होने दूंगा। हाँ, बस एक बार, एक बार। ये क्या कर रहे हो रॉबी? प्लीज डार्लिंग, मार दे, मार दो। Yeah!
I'm coming. Robbie, promise me कि तुम मुझे अकेला छोड़कर कभी नहीं जाओगे। कोई नहीं है, ऐसा मत करो प्लीज रॉबी प्लीज। मैं कुछ नहीं कर सकता रे, प्लीज यहां से चली जा। कोरिया रिया 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 मदहोश करती तेरी चाल है, तेरे ही लिए मैं
के ख्वाब की चादर में लिपट के आई हूँ भिगाने प्यार में अपने तुझसे। रात ये कहती है, रात ये कहती है, रात ये कहती है।